Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will learn how to do multiplication of matrices. यानी matrices को हम कैसे आपस में multiply करते हैं. इंशाल्लाह इस video में हम ये सीखेंगे. सबसे पहली चीज जो यहाँ पर याद रखने वाली है वो है condition. यानी दो matrices कब आपस में multiply होंगे. तो condition क्या है हमारे पास? Two matrices are confirmable for multiplication if number of columns of A is equal to number of rows of B. इसका मतलब क्या है कि दो matrices उसी सूरत में confirmable for multiplication होंगे, यानी उनकी multiplication possible होगी जब जो matrix A है उसके number of जो columns होंगे वो मैट्रिक्स बी के किसके इक्वल होंगे? नंबर ऑफ रोज के. एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि दो मैट्रिसेस सिर्फ उसी सूरत में कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन होंगे जब मैट्रिक्स ए के जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो क्या होंगे? इक्वल टू होंगे मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रोज के. यानी हमने फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स को चेक करना है और सेकेंड मैट्रिक्स के हमने क्या चेक करना है? नंबर ऑफ रोज को. अगर वो दोनों इक्वल हैं तो सच अ मैट्रिक्स या सच मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन. इस चीज को हम एग्जांपल की मदद से एक्सप्लेन कर लेते हैं. मैट्रिक्स ए हमारे पास गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2. इसी तरह से मैट्रिक्स बी हमारे पास गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 0, 3 एंड 1. अब सबसे पहले हमने क्या चीज चेक करनी है कि क्या नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी. कि क्या जो मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो मैट्रिक्स बी की नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं या नहीं है. अगर तो इक्वल हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अगर इक्वल नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल. तो मैट्रिक्स ए के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो कितने हैं? 2, 1, 2. मैट्रिक्स बी की हमने क्या चेक करनी है? नंबर ऑफ रोज, वो कितनी है? 1, 2. 2 इज इक्वल टू 2. यानी मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो इक्वल हैं मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रोज के. तो सच मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी इन मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. सबसे पहला स्टेप जो होगा हमारे पास वो क्या है? मैट्रिक्स ए की जगह हमने मैट्रिक्स ए को लिखना है. मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स हमारे पास क्या है? 1, 2. इसी तरह से हमारे पास मैट्रिक्स बी है. मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स क्या है? 2, 0, 3, 1. ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2, 0, 3 एंड 1. अब यहां पर आपको ध्यान से समझना है कि दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है. दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन ऐसे होती है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी आपने रो को सबसे पहले सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है. सबसे पहला स्टेप क्या होगा? मैट्रिक्स ए जो है उसकी रो को हमने मैट्रिक्स बी के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है. फिर हमने उसी मैट्रिक्स ए की रो को मैट्रिक्स बी के सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है. फर्स्ट रो को हमने मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम से, फिर उसी फर्स्ट रो को हमने मल्टीप्लाई करना है सेकेंड कॉलम से. फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम से कैसे मल्टीप्लाई करना है? टेल को हमने मल्टीप्लाई करना है टेल से, और हेड को हमने मल्टीप्लाई करना है हेड से. तो पहला जो स्टेप होगा हमारे पास वो क्या होगा? ये फर्स्ट रो को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? फर्स्ट कॉलम से. इसको भी आप भूल जाएं. फर्स्ट रो का टेल एलिमेंट क्या है? 1. टेल को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जो सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम है उसकी टेल से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 माइनस 2. टेल को हमने टेल से मल्टीप्लाई कर दिया. इसी तरह से अब हम हेड को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? फर्स्ट रो के हेड को फर्स्ट कॉलम के हेड से, यानी 2 इंटू 3. टेल को हमने टेल से मल्टीप्लाई कर लिया, हेड को हमने हेड से मल्टीप्लाई कर लिया. मल्टीप्लीकेशन में सेंटर में कौन सा साइन आता है? प्लस का. और डिटरमिनेंट में सेंटर में कौन सा साइन आता था? माइनस का. ये चीज आपने ध्यान में रखनी है.
फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, अब हम इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप फर्स्ट कॉलम को भूल जाएं। टेल को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, टेल से, यानी 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, और हेड को हम मल्टीप्लाई करेंगे हेड से, यानी 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। मल्टीप्लीकेशन में सेंटर में कौन सा साइन आता है, प्लस का। अब हम इस चीज को फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, 2 1 2, जस्ट हमें मल्टीप्लीकेशन करनी है, प्लस इसी तरह आ जाएगा 2 3 6, इसी तरह से आपने थोड़ा सा गैप देना है, 1 × 0, 0 से कोई भी डिजिट नंबर मल्टीप्लाई हो वो 0 ही रहता है, प्लस हमारे पास तरह से आ जाएगा 2 1 2। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको जस्ट हमने सॉल्व करना है, 2 + 6 = 8 एंड 0 + 2 = 2, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से हम दो मैट्रिसेस को इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं।